शहाब भाई का आज लाहौर में पहला जुमा था और वहाँ पे उन्होंने आज जुमे की नमाज अदा की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बात करेंगे शहाब भाई को लेकर, और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। लाहौर में क्यों मौजूद हूँ, किस वजह से मौजूद हूँ, आप लोगों को पता है कि शहाब भाई के हवाले से जो भी अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और जो फेक खबरें चला रहे हैं कि शहाब भाई पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, शहाब भाई ने इतना सफ़र तय कर लिया, आज शहाब भाई ने पाकिस्तान में एंट्री की, मतलब कि जुमा की नमाज शहाब भाई ने पाकिस्तान में अदा की, इस तरह की कई खबरें, फेक खबरें चलाई जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर से जो भी अपडेट है शहाब भाई के हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। शहाब भाई अभी उसी जगह पर है, उसी लोकेशन पर है। शहाब भाई ने अपने हज के सफ़र को अभी जारी नहीं किया, जब भी करेंगे इंशाल्लाह। हम लाहौर हैं किस लिए? शहाब भाई के लिए, आप लोगों को अपडेट देने के लिए, शहाब भाई की मोहब्बत में इंशाल्लाह लाहौर ही। अभी जो भी अपडेट होगी शहाब भाई के हवाले से, बहुत सारे लोग फेक खबरें चला रहे हैं कि शहाब भाई ने आज मतलब कि पाकिस्तान में एंट्री कर ली है। शहाब भाई का आज लाहौर में पहला जुमा था और वहाँ पे उन्होंने आज जुमे की नमाज अदा की। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी शहाब भाई ने पाकिस्तान में एंट्री नहीं की, जब भी करेंगे इंशाल्लाह पूरी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जितने दिन भी रहना पड़ा लाहौर, इंशाल्लाह यहाँ पर रहकर आप लोगों के साथ जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूँगा। और जो फेक खबरें चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो फेक खबर चलाई गई आज, कि आज के दिन फ्राइडे के दिन शहाब भाई ने लाहौर में जाकर जुमे की नमाज अदा की। मेरे प्यारे भाइयों, देख सकते हो कि इंडिया वाली साइड से बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखकर कैसे झूठ बोला जा रहा है, लेकिन शहाब भाई अभी भी उसी जगह पर है, उसी लोकेशन पर है। इंशाल्लाह जब भी शहाब भाई पाकिस्तान में एंट्री करेंगे, ये वही सड़कें हैं, मैं आपको सड़कें दिखा देता हूँ दोबारा से, ये वही सड़कें हैं जहाँ से शहाब भाई ने गुजर कर जाना है। ये जो सड़क जा रही है आप देख सकते हैं, ये सड़क जो है ये सीधी वाघा बॉर्डर से वापसी आ रही है, मतलब कि यहाँ से शहाब भाई ने यहाँ से इस सड़कों से गुजर कर जाना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी गुजरेंगे सबको पता चल जाएगा कि शहाब भाई ने अपने हज के सफ़र को जारी कर लिया और शहाब भाई पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। अभी शहाब भाई उसी जगह पर हैं, उसी लोकेशन पर हैं, अभी उनकी कोई अपडेट नहीं है कि वो कब पाकिस्तान में एंट्री करते हैं, कब वाघा बॉर्डर से शहाब भाई की एंट्री होती है, अभी कोई अपडेट नहीं है, किसी को भी कोई अपडेट नहीं है। और जो बात चल रही थी कि शहाब भाई अब मतलब कि जब वो इंटर हो जाएंगे पाकिस्तान में, तो क्या उनकी हम अपडेट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शहाब भाई पाकिस्तान में एंट्री करें और पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमें उनकी अपडेट देने ना दे, उनकी वीडियो बनाने ना दे, ये नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, जो भी शहाब भाई के हवाले से अपडेट होगी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे एक वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।